ज़िला आबटाबाद का खूबसूरत मकाम अवेलियाँ। अवेलियाँ के साथ बहती ये नदी हरो या नदी दौड़ जिसको कहते हैं, ये हमारे गलियात और ऊपर वाला जो वर्ल्ड है डिस्ट्रिक्ट आबटाबाद का, उसके पहाड़ों का खूबसूरत पानी जो है बहता, चश्मों का पानी जो है वो यहाँ पे यहाँ से गुजर रहा है। मगर साथ बदकिस्मती देखें कि हम अपने घरों का जितना भी कचरा निकालते हैं, हमारी इंतज़ामिया की नाकामी की वजह से, इंतज़ामिया काम नहीं कर रही होती है उसकी वजह से, जितना भी कचरा होता है हम जो डाल देते हैं नदी नालों में डालते हैं, घरों के बाहर डालते हैं, वो सारा कचरा आके जो ये अवेलियाँ के इस खूबसूरत मकाम पे आप देख सकते हैं कि कितना कचरा जमा किया हुआ है। अगर हम इसी कचरे को इस्तेमाल में ला के इससे खाद बना सकते हैं, दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, और इस साफ शफाफ पानी के अंदर हमारी जितनी भी हमारी मैरीन लाइफ है, जिस तरह मछलियाँ हैं, दूसरी आबी हयात है, उसको हम बचा सकते हैं। और यहाँ पर खूबसूरत झीलें बना के जो हमारे माजर परिंदे हैं, दूसरी जो हमारी मैरीन लाइफ है उसको सियाहत के हवाले से, टूरिज़्म जो है हमारा, उसको हम फ़रोग दे सकते हैं। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे बनी हुई है। इसी तरह ये पहाड़ों के अंदर खूबसूरत मकाम है, मगर ऊपर से आने वाला जितना भी साफ शफाफ पानी है उसके साथ बह के आने वाला कचरा जो है ये इस इलाके की खूबसूरती पर सवालिया निशान उठा रहा है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ से जीटी रोड गुजरती है, सामने अयूब पुल है, और दूसरी तरफ जो मोटरवे हज़ारा एक्सप्रेस मोटरवे है जो चाइना तक जा रही है, दोनों शाराएँ यहाँ से गुजरती हैं। उसके अंदर ये कचरे के ढेर जो हैं ये स्याओं के दिलचस्पी का बायस बनेंगे या स्याओं को यहाँ से भगाने का बायस बनेंगे। मेरी इंतज़ामिया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जितनी भी हैं उन सबसे ये दरख्वास्त है कि इस साफ शफाफ नदी को इस्तेमाल में लाने के लिए इसके अंदर जो है ये मैरीन लाइफ के ऊपर, टूरिज़्म के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और ये जो कचरा है इस सारे कचरे को जो है साफ़ करके इस इलाके को खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है।